हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। वेलकम टू पंजाबी क्लास। टुडे वी विल डू बहु अर्थक शब्द। विद्यार्थियों, सब तो पहला असी समझांगे बहु अर्थक शब्द किसनू कहा जाता है। पंजाबी भाषा विच एक शब्द दे दो जां दो तो वध वक्रे प्रसंग वाले अर्थां नू बहु अर्थक शब्द आखदे हन। दो जां दो तो वध वक्रे प्रसंग बेटा जी डिफरेंट कंसैप्ट नू कहा जाता है कि जिन्हां दे वक्रे वक्रे कंसैप्ट होण ते उन्हां दे वक्रे वक्रे मीनिंग निकल के आण। दो जां दो तो वध वक्रे प्रसंग वाले अर्थां नू बहु अर्थक शब्द आखदे हां। विद्यार्थियों, हुण असीं एक शब्द नू उदाहरण दे तौर ते लै के समझांगे। जिवें तार, आपां इस शब्द दे वक्रे वक्रे अर्थ लिखांगे ते नाल ही इस दे वाक बनावांगे। तार शब्द दा सब तो पहला अर्थ है लोहे दी तार। लोहे दी तार नू जंगाल लग चुका है। सैकेंड, टैलीग्राम, मैं अपने भरा नू तार दे के बुलाया है। थर्ड, पार उतारा करना, बाबे नानक ने अपने उपदेशां राहीं लोकां नू तार दिता। विद्यार्थियों, आपां इस उदाहरण विच देखिया कि असीं एक शब्द दे वक्रे वक्रे प्रसंग वाले अर्थ करके उस दे वाक बनाए सन। इसे प्रकार नाल असीं बहु अर्थक शब्द अर्थ दे के उस दे वाक बनावांगे। विद्यार्थियों, हुण कुछ आपां होर बहु अर्थक शब्द करांगे। फर्स्ट इज उच्चा। इस दे बेटा जी आपां मीनिंग जिहड़े इस दे अर्थ करांगे ते नाल ही इस दे वाक बनावांगे। फर्स्ट इज उचाई। उचाई बेटा जी हाइट नूं कहा जांदा है। इस दा वाक बनावांगे, साहिल मेरे नालों 4 इंच उच्चा है। सैकेंड अर्थ बेटा जी इहदा लिखांगे उच्ची आवाज़, मीन्स लाउड वॉल्यूम। कई आदमी उच्ची बोल के गल करते हैं। जिदा बेटा कई इंसानों आदत होंगी है कि वह अपनी जी गल एक दूजे जो गल करते वह काफ़ी लाउडली बोलते, काफ़ी उच्ची बोलते हैं। थर्ड इज उच्चा सुनना। बजुर्ग न उच्चा सुनता है। कई बजुर्गों बेटा जी काफ़ी उच्चा सुनता है। उन्होंने जो आप कोई गल करते हैं तो उन्होंने काफ़ी उच्ची उच्ची बोल के अपनी गल जी उन्होंने दसनी पैंदी है। सैकेंड इज उत्तर। उत्तर का बेटा जी आप अर्थ देखांगे कि केड़े केड़े इसके अर्थ होंगे। इसका अर्थ है जवाब, कोई आप किसी चीज़ का आंसर देना, किसी का किसी रिप्लाई करना। मैनू मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। लहना, लहना का बेटा जी अर्थ होंदा है उतरना। किसी हाइट के उपर आप होइए जां कोई किसी वस्त्र नू उतारना, इहनू आप कह दिंदे आ लहना। कोठे तो थले उतर आओ। थर्ड इज दिशा। दिशा दिशा बेटा जी डायरेक्शन नू कहा जाता है। उत्तर वल्लों कालियां घटावां चढ़ आईयां हन। थर्ड वर्ड है उल्टी। उल्टी का बेटा जी अर्थ हुंदा है पुट्ठी। इसका वाक बनावांगे, एवें सोहण नूं उल्टी पट्टी ना पढ़ाओ, मीन्स उसनूं पुट्ठे काम ना सिखाओ। कै, सैकेंड अर्थ है कै। कै बेटा जी वॉमटिंग नूं कहा जाता है। मेरी पत्नी नूं बस के सफर विच आम ही उल्टी आ जाती है। थर्ड अर्थ है मुद्दी, मीन्स उल्टी हो जाना, मुद्दी हो जाना। बस टक्कर हो जाण नाल उल्टी हो गई। फोर्थ वर्ड है बेटा जी अपने कोल उठा। इसका अर्थ देखांगे, फर्स्ट इज चुकना। गवांडी नूं गालां कढ़दे देख के
मैं सोटी उठा ली। सेकंड इज फोड़ा, मेरे पट ते कोई उठा जिहा उठ पिया है। फोड़ा बेटा जी जख्म नू कहा जाता है। थर्ड उठाना, मैं उसनू सोफे तो उठा दिता। फिफ्थ वर्ड है बेटा जी अंग, इसके अर्थ देखांगे शरीर दे हिस्से, मीन्स अपने जिहड़े बॉडी पार्ट्स आ उसनू आपां कह दिंदे आ अंग। परमात्मा दी मेहर नाल मेरे सारे अंग ठीक हन। सैकेंड अर्थ बेटा देखांगे साथ देना, सच्चे मित्र ही दुख वेले अंग पालदे हन, मीन्स साथ दिंदे हन। थर्ड अर्थ है बेटा जी रिश्तेदार, सारे अंग साख व्याह दी खुशी मन रहे सन। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।